भले कितना भी भयंकर से भी भयंकर गुस्सा आता है, मगर उसे एक क्षण में काबू में किया जा सकता है। देखिए, अगर आप या आपके अलावा कोई और भी व्यक्ति वे विवेकवान हैं, अगर उनके भीतर विवेक जागा हुआ है, तो ये मान के चलिए वे तत्कालीन प्रतिक्रिया नहीं करते जब भी क्रोध आता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है, कुछ ऐसी अनबन हो जाती है परिवार में, भाई बंधुओं में, या फिर समाज में रहते हुए होती रहती है। ये चलायमान है, प्रत्येक पल आप या हम देखते हैं कि सुख रहे, ये संभव बात नहीं है। लेकिन जब क्रोध आता है तो उसको कैसे काबू में कैसे किया जाए, कैसे उसे हैंडल किया जाए, किस प्रकार से उस पर नियंत्रण पाना क्या संभव हो सकता है क्या? देखिए, इस प्रकार का एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स में, उसको मैंने थोड़ा गंभीरता से पढ़ा, और पढ़ना भी चाहिए था क्योंकि अक्सर लोग एक ऐसे लहजे में जाते हैं, यानी एक अनुभव एकत्रित करते हैं, अपनी सारी उम्र अनुभव एकत्रित किया, लगभग वे 60 या 65 साल की आयु में आ गए, रिटायरमेंट हो गए और फ्री हो गए। मगर अब ऐसी अवस्था में क्या होता है कि घर परिवार में सब उनके अपोजिट साइड हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब तक कमाता रहता है अपनी जी जान करके, घर में पैसे वैसे ला के हर सुविधाएं घर वालों को देता है, तब तक वे चलो ठीक लगता है। मगर एक ऐसी अवस्था में आने के बाद तो फिर बाद में बच्चे भी उन पर ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते कि नहीं, ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना, यानी उनकी अनुकूलता के प्रति उनके अनुकूलता के प्रति वे रहते नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अब बार बार आए दिन झगड़े होते रहते घर में, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तब देखिए, सबसे पहले मैं एक बात समझाता हूँ, ऐसे पुरुष, देखिए उम्र भी मैंने यहाँ बता दी है, इस उम्र में क्या सबसे पहले व्यक्ति अपना आकलन करता है, यानी अपने 30 या 40 वर्षों की जो यात्रा की उसने, लगभग लगभग 20 या 25 साल से लेकर 60 साल या 65 साल तक पहुंच गया, तो उसका अनुमान लगाता है कि इसके भीतर मैंने क्या अर्जित किया है, अपनी बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए कि उन्हें क्या दिया है कि ताकि वे आगे चलकर और कामयाब हो सके, ऐसा अनुमान लगाता प्रत्येक व्यक्ति लगाता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब संतान हो गई या फिर कोई और भी हो गया, काफ़ी लोग उनके अनुकूल व्यवहार नहीं रखते हैं, तो उनके हृदय पर काफ़ी गंभीर चोट लगती है उस समय, क्योंकि अब उनकी जरूरत है उस समय, उस वे व्यक्ति अब चाहता है कि नहीं, यहाँ कुछ समय, कुछ क्षण भी उनके पास बैठकर कुछ लम्हे खुशी के उनके साथ बिताया जाए, पल चाहे पल भर की वे बातें हो, सुख में दुख में, कैसी भी सुख भरी बातें, मगर बैठ के आप करें जरूर ऐसी स्थिति में। अब देखिए, क्रोध उस, देखिए बात बात झगड़े होते हैं घर में, अब उस स्थिति में क्या है, देखिए क्रोध किसको आता है, अब ये मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जिस व्यक्ति पर उसका अहम भैसा विराजमान है वह उतरता नहीं है, जिस व्यक्ति को अहम आ जाता अपना आप पे, यानी उसकी भली कोई सी भी चीज़ हो, छोटी सी छोटी चीज़, उसमें हुनर रहता है किसी भी बात का, किसी में दौलत का अहम है, किसी में अपनी बुद्धि का अहम है, किसी पे शारीरिक बल है उसका अहम है, कोई राजनीतिक लाइन में है तो उसमें उसका अहम है, भले उसमें है कुछ नहीं मगर है अहम, वो बलवान होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहम विज्ञमान है उसका क्रोध सातवां आसमान पर चढ़ा हुआ रहता है। अगर उसको उसके अनुकूल कोई बात नहीं हो तो उसको तुरंत से एकदम से अभिमानी आदमी देखिए तुरंत रिएक्ट कर देता है और गुस्सा उफान मारने लग जाता है। ऐसी स्थिति में अहम, देखिए अहम बिल्कुल नहीं होना चाहिए आदमी को, भले भी कितना भी आपके पास धन आए, भले ही कितना भी आपके पास कुछ भी हो, आपके पास कितनी संतान हो, कितना ही बड़ा परिवार हो, कितनी संपत्ति हो, कैसे भी हो, या भगवान आपको बहुत कुछ दे रखा है या फिर बहुत कम दे रखा है, किसी भी चीज़ पर
एक रई बराबर जो दाना होता है उसके भी बराबर या उससे भी छोटा प्रकार का भी आप में अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ बहुत सरल भाषा में, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा पड़ जाएगा कि हाँ ये चीज़ कितनी कारगर है। आपने देखिए फल खाए होंगे, फल से आप किसी भी प्रकार का फल माने, जैसे आम ही मान लेते हैं। अब आप खा तो लेते हैं मगर इस चीज़ का आप अनुमान कभी नहीं लगाते हैं कि इसको पकने में कितना समय लगा होगा, इस फल ने कितने तो भयंकर से भयंकर आंधी तूफान झेले होंगे, कितनी भयंकर बारिश और बारिशों का पानी झेला होगा, कितने ही प्रकार की प्रकृति में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं उनको झेला होगा, तब जाके ये पकता है फिर जाके आपके पास आता है। यानी मानव जीवन भी कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से एक व्यवस्था बिठाई गई है कि हर उम्र में हर एक अवस्था में अलग अलग कैटेगरी में आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी और उसका आकलन प्रभु द्वारा स्वयं द्वारा उनके द्वारा ही किया जाता है। उनका निर्णय वगैरह निर्णय लेना कुछ भी हो सब प्रभु देखता है, ये चीज़ें हर प्रत्येक व्यक्ति देखता है। और कुल मिला के आप किसी को दोष ना दें कि इसके पीछे हमारा इनका हाथ है या फिर उनका हाथ है, ये कुछ नहीं। क्रोध तो आपके वश में है ना, क्रोध तो आपको ही आता है, लोगों को थोड़ी ना आता है। ये बात आप सोच के देखिए, क्रोध तो आपके भीतर से ही आएगा, काम क्रोध ईर्ष्या भावना ऐसी कुछ, ये भावनाएं विकार होते हैं। अगर इस पर कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो मान के चलिए वो परमात्मा प्राप्ति के बहुत नज़दीक है। लेकिन आप स्वयं बता रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है बार बार, क्यों आता है? आपने इतने लंबे समय में प्रभु के प्रति कुछ किया ही नहीं है क्या? थोड़ा बहुत तो कुछ दिया होगा, प्रभु को समय दिया होगा, कहीं जाके बैठे होंगे, प्रभु के मंदिर में जाके बैठे के उनसे कुछ विनती की होगी, मनोकामनाएं मांगी होगी, धन्यवाद प्रकट किया होगा, कुछ ना कुछ पूछा ही होगा कहीं पर भी किसी भी जगह के एकांत जगह। नहीं किया है तो मान के चलिए अब आपके पास जो समय मिला हुआ है परमात्मा ने दिया हुआ है, वे बोनस सब में है, बिल्कुल फ्री समय यानी बोनस का मिल गया आपको। अब उसको एक क्षण भी बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, बिल्कुल भी व्यर्थ ये मान के चले और गांठ बांध ले, क्योंकि जो व्यक्ति है वह भरमाया हुआ है किससे, कि उसको उसकी बुद्धि भ्रमित हुई हुई है कि नहीं ये मानव जीवन उसको सहज मिल गया है, अब कुछ नहीं अगले जन्म में ऐसा कुछ करेंगे कि सुख अगले जीवन में सुख मिलेगा, ये होगा अगले जन्म में, क्या होगा इस जन्म में ही कुछ हो नहीं रहा है तो अगले जन्म में क्या हो जाए। जो करना है इसी क्षण करना है, आज से ही अब से ही ये मन में गांठ मान ले कि प्रभु के अलावा आपका इस संसार में कोई नहीं है, प्रभु के अलावा वो हर कार्य आपको आप हर आपकी जो उलझन है हर कार्य आपका है जो उसको सौंप दें आप, और दोनों हाथ खड़े कर ले कि हे विधाता कि मैं तो आपका हूँ, मैं तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मैं तो नीच बुद्धि हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता मुझको किसी भी प्रकार से, विधाता जो करना है वो आपको करना है, भले कैसा भी कार्य हो मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, जो आप करवा रहे वही कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, इसके अलावा मुझको कुछ आता भी नहीं है और किसी भी प्रकार का मुझ में इतना है नहीं कि नहीं आपके दिए हुए कार्य को मैं पूर्ण रूप से कर पाऊँ, बस इतना साहस जरूर है करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अपने आप को सर्वोपरि ना माने किसी भी कार्य में कि हाँ ये मैं कार्य मैं कर लूँगा। आपका जब मैं जागृत हो जाता है ना तब उस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलती है, ध्यान रखें उस मैं की जगह विधाता को बिठाए रखे कि हाँ ये सब विधाता का काम, उसने जो कुछ कार्य हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। क्या पता आपने पूर्व कुछ समय पूर्व 30-40 साल पहले कुछ ऐसे कर्म कर दियो जिसका परिणाम आज मिल रहा है, अब 30-40 साल पूर्व की बात आपको आज याद तो होगी नहीं,
ये आपने कभी अनुमान लगाया है कभी इस चीज का कि जो जवानी की गलतियां हैं आपको इस समय यानी बुढ़ापे में भुगतनी पड़ेगी, वो भले किसी भी प्रकार की हो, मगर ये जब भी कहा गया है कि विधाता की लाठी में कभी आवाज नहीं होती है, क्योंकि कब किस पल कर्मों का दंड किस प्रकार से मिल जाए किसी को भी कुछ भी अनुमान नहीं, कुछ भी अनुमान नहीं। भले ही पल भर का सुख आपको आज मिल रहा है, मगर दुख पता नहीं किस जगह किस अवस्था में आपका इंतजार करता है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए विधाता को सर्वोपरि रखे, संतोषमय जीवन बिताने की कोशिश करें। कम से कम समय बचा हुआ है, अब इसको संभाल कर विधाता के चरणों में अर्पित कर दे। वो क्रोध है जो बलवान है, इसको इसी प्रकार से इसका नाश किया जा सकता है विवेक के द्वारा। शांत रहकर मौन रहकर प्रत्येक बातों पर उनकी प्रतिक्रिया ना करें, मौन रहे जितना भी हो सके। प्रभु आपको प्रति क्षण देख रहा, प्रति क्षण। ये अगर आपके भीतर भाव जागृत हो गया कि हाँ प्रभु एक एक पल 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 में आपकी एक एक नजर गड़ाए हुए कि आप किस कोने में क्या हरकत कर रहे हैं, ये अगर ये बुद्धि में आपके ये डिफॉल्ट हो जाए ये बात, तो मान के चलिए ना तो आप कभी पाप करेंगे, ना तो किसी प्रकार का आप में अहम होगा, ना काम क्रोध इत्यादि जितने भी विकार हैं मानुष सब नाश हो जाएगा इनका। ठीक है, इस प्रकार थोड़ा धैर्य बना के रखें। प्रभु बहुत ही गहरी बातें सोचता है, बहुत ही लंबी और गहरी बातें। एक बार उनको आप समर्पित कर दे सब कुछ, आपके हर कार्य वे प्रभु पूर्ण कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, और भी किसी प्रकार का संशय हो तो हमसे जरूर पूछें। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।